get it. Oh. तो भाई सभी लोग गुड मॉर्निंग, आज डे टू है और हम जहाँ रुके थे कल रात को, अभी वहाँ से मतलब सामान हमने सारा खोल लिया था, तो बांधते बांधते अभी हो गया आधा घंटा। अब यहाँ से शायद सुबह के 7:30 वगैरह बज रहे हैं, धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, आंखों पे भी लग रही है। तो और अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी और हम निकलने वाले हैं यहाँ से ढाबे से, और आज हम जो हमारा टारगेट है वो पहुँचने का है मनाली। तो अब दिखाते हैं, यहाँ हमारी रेडी हो चुकी है बीस्ट, इधर ये पूरा पैक्ड, और ये हमारे अमर भाई लगे हुए हैं घर पे फ़ोन बात करने। तो बस यहाँ से निकलते हैं यार, काफ़ी धूप हो रही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से निकलते हैं और फिर आपके आपको दिखाते हैं। इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं यार, मतलब ग्रीनरी तो भरपूर ऐसी भरी हुई है ना कि बाइक चलाने का मज़ा ही अलग आ रहा है। भैया जी दिख गए पहाड़, घुस गए माउंटेन्स में। भाई ये पहला व्यू है जो हम रूपन नगर से निकल के अब फाइनली जो है हिल एरिया में जो है घुस चुके हैं, और हमें दूर मतलब अभी सनराइज हो रखा है तो इस वजह से लाइट दिख रहे हैं, बट हमें हिल्स दिखनी चालू हो चुकी है। मेरे कान बंद होने लगे हैं मतलब हाइट पकड़ ली है हमने। ये पहला टोल टैक्स बैरियर है, इस पे ब्रेक नहीं मारने हैं, धीरे धीरे चलते हैं। कीचड़ है पूरा। बहुत गलत गाड़ी चला रहा भाई, दो तीन बार ठुकते ठुकते बचाइए, खुद मरेगा या तो किसी और मरवाएगा। हाँ अरे ट्रांसपोर्ट क्या, मंडी आने वाला है आगे, मंडी। हाँ हम मंडी पहुँचने वाले हैं ना अभी थोड़ी देर में, शायद 60-70 किलोमीटर रह गया होगा, 60-70 किलोमीटर मंडी होगा। मंडी कितने सारे आर्मी ट्रक्स निकल रहे भाई और सल्यूट मारे जा रहे थे, मतलब वो भी खुद ही से मतलब अलग ही फील आ रही थी। ये देखो अभी भाई साहब सल्यूट मार के गए फिर से। लाल पहुंच चुके हैं एक ढाबे पे, खाना खाने, थोड़ा नाश्ता पानी करने। वैसे तो मैं सोच रहा था सुंदर नगर रुकूंगा, पर इधर जो है मित्रा द ढाबा, पता नहीं मित्रा द जंक्शन पे रुके थे, मित्रा द ढाबा पे खाना खा रहे हैं। मतलब क्या ये मित्रा वालों से लगता है दोस्ती हो गई मेरी। भैया जी हो गया नाश्ता पीना, खाना पीना, पेट भर गया फुल ऑन, पेट पूजा बहुत हो गई है और इतना ज़्यादा खा लिया कि दिन क्या सुस्ती सी लगने लगी। तो अब हम पहुंचते हैं पहले मंडी। बीजेपी के काफ़ी फ्लैग लगे हुए हैं इधर यार, शायद मंडी पहुंचने वाले हैं, अभी 10-12 किलोमीटर समथिंग रह गया है। काम चल रहा है अभी, पहाड़ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे भी पहाड़ काट के जो है रोड अच्छी करेंगे। देखो अभी चौड़ी कर रहे हैं रोड, ये टनल का जित सारा काम कर रहे हैं, पहाड़ों के नीचे से रास्ते शॉर्ट कर रहे हैं। तो अभी दो तीन जगह अभी काम चल रहा है टनल्स का, अब आगे दो तीन टनल और भी मिलेंगे। एक पे तो हम एंट्री मारेंगे कि एक से जो ऑलवेज एज यूजुअल जिससे हम जाते हैं, अभी वो थोड़ी दूर पे पड़ेगा जिस टनल से हम जाएंगे। ये देखो हालात कितना तगड़ा जाम लगा हुआ है, वो देखो वहाँ तक पिछले 2-2.5 किलोमीटर तो हो गया जाम ना।
पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का। गिरे 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 गिरे, नहीं मैं तो बचा हुआ हूँ। नहीं नहीं आपकी बाइक में नहीं लगी, सॉरी यार। नहीं 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 हाँ मैंने बोला भी लगी लगी लगी, आप और उतर गए। नहीं मतलब कूद गए जो भी है। अरे बाप रे, रुको इधर से उठेगी, इधर से उठेगी, यहाँ से हैंडल से। स्टैंड लगा दो, कोई नहीं हो जाता है। अरे वो वेट इधर हो गया ना। ओके थैंक यू। मैं बोल भी रहा हूँ, गई 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 गई, एकदम से इधर आओ ना। ये भी यही लगी तो रही ना, हम लोगों के लगी नहीं। हाँ हाँ देखो ये चीज हो रही थी, देखो भाई रुको छोड़ो, इधर को करो यार, स्टैंड स्टैंड तो हटा पहले। हाँ हाँ हट गया, स्पेस नहीं था यार। हाँ हाँ बैठो बैठो, अरे कोई नहीं, अच्छी बात है प्रोटेक्शन लगा रखा ना। अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं हुआ बाइक को भी, हमें भी और हमारे सामान को भी। भगवान को बोलना चाहिए था यार, एक आधा कम से कम एक आधा इंच तो और थी, आधे इंच से मैं रह गया था। हाँ हाँ एक तो बाइक की हाइट वैसे ऊपर से हमने उसमें एक इंच थी, वो एक डेढ़ इंच की वो हमने फॉर्म लगवा रखी है, ऊपर से इधर ये हाइट छोटी पड़ गई और वेट तो है ही मान लो फिर यार। हाँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिल्ली दिल्ली लद्दाख दिल्ली से नाम लाया, दिल्ली से आयो, दिल्ली से है? दिल्ली से द्वारका, द्वारका मेरे इतने टोल के बाद। अरे अच्छा जी, किधर जा रहे हो आप? भाई के साथ। किधर जा रहे हो आप? मैं मनाली। अच्छा जी, साइकिल ले मैंने बुल्ले के मुकाबले, चलो। ओ भाई ऐसा मेरा दिन हो गया है। व्यू देख रहे हो, व्यू कितना प्यारा है, आधी छांव आधी धूप, शेड कितने अच्छे आ रहे हैं और सामने का खुला व्यू देखो।
अखरोट के लिए पागल हुए जा रहे लोग। गाड़ी के मतलब कोई पूजा उजा या कुछ भी है इनका, ठीक है, लेकिन अखरोट के चक्कर में गाड़ी के नीचे हाथ दे रहे भाई। दो बार मैंने एकदम हार्ड ब्रेक मारी ताकि उसके लगना जाए। पागल हैं यार ये लोग। चुके हैं मनाली, और मनाली में ये जो हम अभी रुके हैं, आज सोचा स्टे कर लें क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, शाम हो चुकी है। अब हम इधर आए हैं ठाकुर गेस्ट हाउस पे, ठाकुर गेस्ट हाउस पे रुके हुए। अब रुकने का हम बात देखो करते हैं। रूम्स देखेंगे, रूम्स कैसे हैं। ये अंकल जी हैं यहाँ के ओनर। नमस्ते अंकल जी, रूम देख लिया हमने, बस बहुत बढ़िया ना, बस मज़ा आया। तो भाई ये देखो रूम, ये हमारा रूम है और हम पहुंच गए हैं मनाली में रूम के अंदर। इसका वॉशरूम वगैरह भी साफ सुथरा है भाई, नीट एंड क्लीन वगैरह है, और रूम भी काफ़ी बड़ा है। अलमीरा भी रखी उन्होंने, और बालकनी भी है भाई। बेस्ट पार्ट ये है, और सामने का व्यू देखो, ये बाइक खरीद ली नीचे जिससे अभी सामान उठा के लाने हैं। और एन एवरेज यार बहुत ही चीप रेट में मिलेगी अपन लोगों को, और अब हम उठाते हैं सामान और करते हैं अपने आप को रेडी, फिर चलते हैं घूमने। और हाँ एक चीज़ और, बाइक गिरी थी वो सिर्फ एक जगह ढलान क्या, एक जगह पैर छोटे पड़ गए थे हमारे पैर छोटे पड़ गए थे जिसकी वजह से लुढ़क गई बस, कोई किसी को चोट नहीं आई ना बाइक को ना हमें, सब परफेक्ट है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अभी खाने के बाद।